ना रुक जा, रुका मार रे गालक में। गालक में बना के यो करा गलत काम, यो बाबा करा गलत काम। भला बाबा ने मुस्कुर बना अरे भला बना के ले महाराज है तेरा करे था ने गलत काम करे था यो बड़ छप्पर काम में बाबा रे यो बड़ छप्पर काम में बाबा है महाराज है डराव क्या दिशने डरावना बाबा है उड़ा ना जा बाजा क्यों है बाजा क्या है उड़ा जा यो दे तू अरे बैंड तो बकवा दे अरे मोटा बन का तू है ड्रावा भी है ना 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 माँ बाबा यो आ जाएगा यो तेरा वोट बन जाएगा करा था गलत काम है यो है गलत काम करा है बाबा बात सुन रहा है बताइए कोटा करा एक पसला हफ्ते भी करा नंबर है करा नहीं ने किसने हां बोले तू एक नेम करता है एक धर्म गुरु को 1000 साल यानी 1075 साल की सजा हुई है। जानते हैं क्यों और ये घटना कहां की है? ये घटना है तुर्की की। तुर्की में एक मुस्लिम धर्मगुरु था, उसको 1075 वर्षों की सजा हुई है। उसका कारण क्या था? उसकी 1000 गर्लफ्रेंड थी, 1000 गर्लफ्रेंड, उनके साथ उसने यौन शोषण किया। तो वहां की एक अदालत ने उसके ऊपर आपराधिक यौन शोषण और धर्म की आड़ में गलत काम करने का मतलब बहुत सारी ऐसी धाराएं लगा के उसको 1075 वर्षों की सजा दी है। ये मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक बात है और ऐसे कानून हमारे भारत देश में होना बहुत जरूरी है। मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूं इस विषय का, क्योंकि कोई धर्म की आड़ में सोचिए एक आस्था से जुड़ा हुआ चीज के साथ कोई खिलवाड़ करे, लोग कितना विश्वास करती हैं, कितना माता बहने भाई हमारे धर्म के ऊपर विश्वास करते हैं। और जब वो धर्म गुरु कोई घिनौनी काम करता है, चाहे वो किसी समाज का हो, मैं इसमें हिंदू की बात नहीं कर रहा, कोई मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, ना सिख की बात कर रहा हूं, ना ईसाई की बात कर रहा हूं, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो नेता हो, चाहे सरकारी अफसर हो या कोई ऐसा कर्मचारी हो जो एक महत्वपूर्ण औहदे पे रहता हो, और वो यदि गलत काम करे तो उसको मैं कहता हूं बीच चौराहे पे फांसी देने की सजा हमारे देश में होनी चाहिए। तब जाके हमारा राष्ट्र और एक स्वच्छ समाज भारत जैसा देश महान बनेगा। अभी देख लीजिए आप लोग जगह जगह, मतलब एक चाहे वो किसी भी समाज में हो, बहुत सारे हमारे मित्रों को ये लगता है कि धनेश्वर महतो सभी समाज का बुराई करता है। जो गलत है मैं उसी को गलत कहता हूं। अगर मेरी औलाद गलत करे तो मैं उसको बीच चौराहे पे जूते से मारना पसंद करूंगा। मैं राजनीतिक दल का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में मैं खुद वो शख्स हूं कि राजनीतिक से घृणा करने वाला, लेकिन जो समाज में भ्रष्टाचार और जिस तरीके से अत्याचार या जिस तरह की देखिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है हर मामले में, इसीलिए मैंने राजनीतिक दल का एक स्थापना किया है, ताकि भारत में अच्छे व्यक्ति जो राजनीति को गाली देते हैं वो व्यक्ति सब आए, एक प्लेटफॉर्म बन के आपके लिए तैयार है और आप अच्छे लोगों के लिए भारतीय मित्र पार्टी है, वो व्यक्ति के लिए कतई इस पार्टी में जगह नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि अरे हम आज राजनीतिक में आए तो आज आसमान छू लें या फलानी चीज कर लें या एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, चलो यहां पे बहुत सारे ऐसे नेता हैं
जो जहां जिसकी जो देखते हैं वर्चस्व इस पार्टी का हो गया तो उधर ढुलना चालू कर देते हैं। बहुत सारे संपर्क में आए इस 6 साल की पार्टी में, लेकिन बहुत सारे लोगों का इस पार्टी में गुजारा नहीं हो पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा 100 बारी समझ के ही इस पार्टी में आए, हमारी में सोच के कि कुछ अच्छा करना है समाज के लिए। अरे भैया, मैट्रिक का परीक्षा भी देने जाते हैं तो 10 साल लगता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं आज राजनीतिक दल में आए आसमान छू लें। इसमें आसमान छूने की नहीं, जिसको कुर्बानी देनी है, देश के लिए कुछ करना है, वो व्यक्ति राजनीतिक में आए। गंदगी फैलाने के लिए हजारों पार्टी हिंदुस्तान में है। तो मैं बात कर रहा था इसकी धर्म के ऊपर, तो मैं इसका समर्थक हूं। मैंने एक पोस्ट किया था, बहुत सारे मित्रों को बहुत बुरी लगे, ये मुस्लिम पार्टी है, ये है वो है। तो मैं मुस्लिम के ऊपर ही आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी का नहीं हूं और सबका हूं। जो सही काम करेगा दिल से, नतमस्तक होके उस व्यक्ति के आगे प्रणाम करूंगा, और जो गलत काम करेगा जूता लेके उसका स्वागत भी करना जानता हूं मैं, चाहे वो कोई हो। तो क्या आप ऐसा एक समाज की कल्पना नहीं करते हैं जो स्वच्छ समाज हो, आदर्शवादी समाज हो? कहां भटक रहे हैं हम लोग, कहां जा रहे हैं, ये सोचने की विषय है। तो मैं तुर्की जैसा देश, 175 साल कोई जीवित नहीं रहता, 70 80 100 कोई चला गया तो चला गया, लेकिन उसके अपराध को देखते हुए 1075 वर्षों की सजा दी है, ये अपने आप में एक, मैं समझता हूं, सलाम करता हूं ऐसे मुल्क को, ऐसे कानून को। काश ऐसा कानून हमारे देश में भी होता। अभी चाइना के अंदर एक नेता भ्रष्टाचार की उसमें साबित हो गया था, चाइना में फांसी की सजा हुई, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा मिलती है और उसको संरक्षण मिलता है। यह है हमारे देश की राजनीति, जो जितना बड़ा फ्रॉड, जितना बड़ा लुच्चा, जितना बड़ा लफंगा, उतने बड़े औहदे को हासिल करता है। देख लो देश का प्रधानमंत्री जीवन में कभी सच बोला ही नहीं, आज वो हमारे देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, देश का नेतृत्व कर रहा है। तो ये समझने की चीज है। कितने सारे किसान भाई हमारे रोड पे इस कड़ाके की ठंड में शहीद हो गए, लेकिन इस कसाई को दया नहीं आई, कसाई को दया नहीं आई, हिटलर को दया नहीं आई। तो ऐसी राजनीतिकों का मैं बहिष्कार करता हूं, विरोध करता हूं। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में लिखें, और अंधभक्त तो कभी सहमत में हो ही नहीं सकते, जो गंदगी समाज में फैलाना चाहते हैं वो मेरी बातों से कभी समर्थक हो ही नहीं सकते हैं, वो तो मुझे गाली देंगे देंगे, क्योंकि उनका पैसा है, उनके दिमाग में कचरा है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन न्यूज़।